हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टूडे के जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ पर करंटली मार्केट में जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो है हमें किस तरह प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर जो है काफ़ी तगड़ी जो है यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशंस जो है देखने को मिली थी एंड आफ्टर दैट एक अच्छी खासी जो गिरावट है वो यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो $100 का जो प्राइस लेवल था वो ब्रेक हुआ और उसके बाद जो है ताबड़तोड़ जो है यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पर वॉलिटिलिटी के हिसाब से देखें तो मोमेंटम काफ़ी टाइम तक यहाँ पर हमें जो है कंसोलिडेशन में देखने को मिला था और उसके बाद एक अच्छी तगड़ी यहाँ पर जो है बाइंग देखने मिली है और उसके बाद जो है यहाँ पर पिछले 2 घंटे से एक तगड़ी जो है यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली 7570 के प्राइस बैंड के नीचे यहाँ पर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आ गया है तो शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा जो प्राइस लेवल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर डाउन साइड के अंदर जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी जो है देखने को मिल रही है फॉर अ टाइम बिंग एंड नेवर द लेस यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ पर हमें फिर से बनानी भी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें जो एटलीस्ट वेट करना चाहिए 7730 के प्राइस बैंड का। अबोव दैट प्राइस लेवल अगर यहाँ पर जो है कैंडल फिर से सस्टेन करती है देन यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।